अरविंद केजरीवाल को मैंने एक पत्र लिखकर एक 10-पॉइंट चार्टर उनको भेजा है। मैंने उनको लिखा है कि आपके जो है सिर्फ अब 6 महीने रह गए हैं गवर्नमेंट के, और उसके बाद आप दोबारा आते हैं या नहीं आते ये कोई पक्का नहीं है। इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि आप कुछ काम कर लीजिए तो अच्छा है। और उनमें से मैंने बताया उनको कि एक तो ये कि राइट टू पब्लिक हेल्थ का एक लेजिस्लेशन आप ले आइए, जो मोदी का आयुष्मान है, मुझे लगता है शायद उसके जवाब में बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैंने कहा कि जो हमारे सरकारी पैसे से चलने वाले अलग अलग तरीके के स्कूल जो हैं, जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी हैं, कहीं बच्चों की क्लास में 35 बच्चे होते हैं और किसी स्कूल के क्लास के अंदर 80 बच्चे होते हैं, कहीं टीचर ज्यादा ट्रेंड है कहीं लेस ट्रेंड है, इस तरीके का भेदभाव खत्म करने के लिए बेटर होगा कि वो सब तरीके के स्कूलों को खत्म करके जो है वो जो राजकीय प्रतिभा विद्यालय जो बहुत अच्छा क्वालिटी का स्कूल है सबको वही बना दिया जाए। तीसरी बात हमने कहा है कि हरेक बच्चे को जो भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है 3 साल से 18 साल तक का उसको स्कूल में लाओ। लगभग 25 से 30 लाख बच्चे दिल्ली के अंदर, जिसमें 2 लाख बच्चे चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज हैं, वो स्कूल के दायरे से बाहर है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। फिर हमने कहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने टाइम के अंदर, जैसे पिछले 4 साल के अंदर 5 लाख बच्चे फेल हुए, उसमें से 4 लाख बच्चों को इन्होंने दाखिला नहीं दिया, वो दर दर पटक रहे हैं। अब भी ऐसे होने वाला है, हो रहा है। हमने कहा है कि आप अपने जितने भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सर्कुलर हैं, जो कोई ना कोई बहाना जिसकी वजह से ये स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, वो वापस ले लीजिए और सारे बच्चों को एडमिशन और रीएडमिशन दीजिए। फिर हमने कहा है कि आपने एक कानून बनाया था 2015 के अंदर स्क्रीनिंग प्रोसीजर का, लेकिन क्योंकि आपने फॉलो करके नहीं किया था उसको, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटक गया। अब वक्त है कि उसको दोबारा से जो है नर्सरी एडमिशन में जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है उसको प्रोहिबिट करने के लिए लॉ बनाना चाहिए। अभी दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं जो हर साल डोनेशन के नाम पर 3 करोड़ से 15 करोड़ रुपए हर साल बना लेते हैं और सबको पता है, लेकिन कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं है। ये पैसा भी तो अभिभावकों की जेब से जाता है ना। अभी दिल्ली में 60 लाख के करीब हमारे मजदूर वर्ग है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और शायद किसी को भी लगभग जो है मिनिमम वेज जो आपने 14,000 डिटरमिन किया वो नहीं मिल रहा। इवन पुराना भी जो 950 है वो भी नहीं मिल रहा है। महिलाओं को 5,000 महीने पे और आदमियों को आज भी 6,000 रुपए महीने पे मिलता है। तो ये सरकार को चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयर्स के खिलाफ जो है वो एक्शन ले। सातवा हमारा कहना ये है कि दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं 36 अस्पताल, इसमें बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनको 10% बेड दिए हुए हैं, बाकी जो है सारे बेड जो है पेड है। और 4-5 जो इनके ऑटोनोमस हॉस्पिटल्स हैं, एलएन ये जिसको हम बोलते हैं, जीबी पंथ है या आईएलबीएस है, वहां पर तो बहुत महंगा इलाज होता है पेट कैटेगरी के अंदर, और बिस्तर गरीब लोगों को सिर्फ 10 दिए। तो हमने कहा कि सारे बेड जो है आप फ्री बेड्स डिक्लेयर करो सारे, जिससे कि गरीब जनता को जो है या सब दूसरे भी लोग हैं जनरल लोगों को मिल सके। एक जो अस्पतालों के अंदर आज भी देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार के, वो कि अगर आप दिल्ली के बाहर के मरीज हैं तो आपके साथ एक व्यवहार हो रहा है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है तो आपके साथ एक व्यवहार हो रहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज जो दिल्ली के रेजिडेंट वोटर को मिल रही है वो बाहर के जो पेशेंट्स हैं उनको आज भी नहीं मिल रही है। तो हमारा कहना है कि ये जो भेदभाव है, ये डिस्क्रिमिनेशन, इसको स्टॉप करो। 9th पॉइंट हमारा ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कम से कम सरकारी अस्पतालों के अंदर 10% आईसीयू बेड्स होने चाहिए, वो आपने अभी तक लागू नहीं किया। हमारे दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ 10,000 बेड्स के ऊपर सिर्फ जो है 300 कुछ के करीब जो है 84 या 85 जो है वो आईसीयू बेड्स हैं, जो बहुत कम है, 3.4% बनते हैं। और लास्टली हमने 10वां पॉइंट ये कहा
कि जो आपने एक फी रेगुलेशन बिल एक्चुअली में बनाया था वो गलत बनाया था, वो एक तरीके से पेरेंट्स को लूटने का कि अधिकार जो है आपने प्राइवेट स्कूलों को दिया था। हमने उनको कहा है कि आप दिल्ली अनएडिड प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन बनाओ, जो ड्राफ्ट मैंने आपको 2015 में दिया था, जिससे कि आज क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर स्कूल है उनको तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है फीस बढ़ाने के लिए, लेकिन जो सैकड़ों स्कूल जो सरकारी जमीन पे नहीं है उनको बिना परमिशन, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो फीस बढ़ा देते हैं। अगर ये कानून लाते हैं तो सभी दिल्ली के स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले जो है वो आप परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके लिए जो है केजरीवाल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, और शायद जब मेरी और आपकी मुलाकात जून 2015 में हुई थी तब भी मैंने इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए थे जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसकी अर्जेंसी को समझकर और अपने जो आपके पास एक लिमिटेड समय है सरकार में रहने का, उसको दिमाग में रखकर आप, लगता है कि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, और ये काम अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो है हो सकता है आपको वोट दे दें। थैंक यू, धन्यवाद।